हे एवरीवन, मैं संतोषी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय कॉलेज बड़ी में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पंजाब के भटिंडा में बेस्ड है, यानी कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। और इस गुरु काशी यूनिवर्सिटी में जो है मोर देन 7000 स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं। अगर बात किया जाए इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो जो है इसे 2011 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही अगर बात करूँ कि इसमें जो है ये कोएड यूनिवर्सिटी है या नहीं, तो ये जो है कोएड यूनिवर्सिटी है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो है दोनों पढ़ते हैं। और साथ में जो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है 134 कोर्सेज इन 16 स्ट्रीम। वही ये यूनिवर्सिटी जो है वो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है एंड AICTE एंड NCTE से अप्रूवल है। वही देखा जाए तो ऑल अदर नेशनल एजेंसी से भी ये यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव्ड है। साथ में अगर बात करूँ कि ये जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी है ये कौन कौन से ऑफर करती है आप लोगों को कोर्सेज, तो जो है BA, BSc, MSc, MA ये कोर्सेज जो है ऑफर करती है आप लोगों को। तो आप लोग इजिली जो है इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, गुरु काशी यूनिवर्सिटी में। और इसके लिए जो रैंकिंग चाहिए होती है इतनी हाई नहीं चाहिए होती है, तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है। तो इजीली आप लोग जो है इस यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है इन कोर्सेज को काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं चूज करने में, उनको जो है प्रॉब्लम आती है कि कौन से कोर्सेज को हम चूज करें कौन से नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ध्यान से अपने कोर्सेज को चूज करें ताकि जो है आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकें आगे जो भी कोर्स को आप सेलेक्ट करते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी है वो BSc, BA और BEd में जो है मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेती है। स्टूडेंट्स जो है मेरिट बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। साथ में अगर आप BA, BSc और BEd के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अगर आप लोग कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में इन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आप लोगों को जो है एडमिशन मिलेंगे। वहीं अगर बात किया जाए कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसका एडमिशन प्रोसेस जानेंगे कि किस किस तरह से आप जो है इस यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन को ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. तो पहले आप लोगों को fill the online application form, आप लोगों को जो है online application form भरना होगा। Then फिर उसके बाद आप लोगों को जो second step है वो आप लोगों को entrance exam देने होंगे। And then जो third है वो अगर आप लोगों ने entrance exam दिए उसमें अगर आप लोगों ने अच्छा score किया, आप लोग select हो गए, तो आप लोगों के पास mail आएगा और उसके बाद फिर जो है आप लोगों का आगे का admission process start किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छा score किया होगा तो आप लोगों को easily admissions मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अच्छा score नहीं किया होगा तो आप लोगों को एडमिशंस जो है वो नहीं मिल पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BEd के कोर्सेज के लिए। मतलब और भी कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं उन कोर्सेज के लिए जो है आप लोगों को अच्छा स्कोर करना होगा, अदरवाइज जो है इस यूनिवर्सिटी में आप इजीली जो है एडमिशंस को नहीं ले पाएंगे। साथ में जो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज पे सवाल उठाते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन क्यों ले, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करती है, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ज्यादा फोकस करती है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। साथ में इस यूनिवर्सिटी में जो है आप लोगों का एडमिशन लेने का प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आप लोग जो है इस यूनिवर्सिटी में इजीली इंग्लिश को सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को इंग्लिश सिखाती है और जो है पर्सनल इंटरव्यूज भी करवाती है, जिसमें आप लोग जो है किसी दूसरे अगर कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाते हैं तो इजीली कैसे क्रैक करना है, उन इंटरव्यूज को कैसे क्लियर करना है, तो वो सारी चीजें जो है आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और साथ में जो भी आप कोर्सेज को लेते हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने जो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहीं बात की जाए इसकी फैसिलिटीज की, तो इस यूनिवर्सिटी में जो है कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। अगर बात किया जाए कि कैंटीन का खाना कैसा होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जो कैंटीन का खाना होता है बहुत अच्छी क्वालिटी में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फैसिलिटीज से भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। तो एक प्लस पॉइंट इनके लिए ये भी होता है कि वहाँ का खाना, वहाँ की फैसिलिटीज, वहां का रहना, मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ऑडिटोरियम फैसिलिटीज, लैब्स फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज इस यूनिवर्सिटी में जो है अवेलेबल है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 75 एरिया एकड़ में जो है ये बना हुआ है ये यूनिवर्सिटी, तो इसकी सारी फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, इसके कोर्सेज जो है सारे ही अच्छे हैं, तो इजिली एडमिशन ले सकते हैं आप इस यूनिवर्सिटी में और जो भी आपने कोर्सेज लिए हैं उसको इजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर इसके फी की बात की जाए, हॉस्टल फी की बात की जाए, तो मैं बता दूं अगर आप नॉन AC वाला रूम लेते हैं तो आप लोगों को जो
जो है 55,000 तक पर एनम इसकी फीस जाएगी। वहीं अगर आप एसी वाला रूम लेते हैं तो 65,000 इसकी फीस जाएगी। वहीं अगर आप कूलर वाला रूम लेते हैं जिसमें एसी नहीं होगा, नॉर्मल कूलर होगा, तो उसकी फीस जो है 57,000 पर एनम की जाएगी। तो मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर ये जो यूनिवर्सिटी है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो है आप लोग इजिली एडमिशन लेकर अपने जो भी कोर्सेज है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोर्सेज के अलावा भी काफी अच्छी चीजें हैं जो सिखाता है ये यूनिवर्सिटी। तो एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ये भी है, बेनिफिट ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है इजिली एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को जो है ब्राइट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली क्लियर कर दिए जाएंगे। बट वही डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को फॉर्म दिया गया उसे आपको फिल करना होगा। एंड देन अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोज हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।